अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाए। मैं भी पिलाने आई हूँ, राम नाम की पिलाने आई हूँ, आत्मा की भट्टी पे ढाल के पिलाने आई हूँ, अनुभवों की भट्टी पे ढाल के पिलाने आई हूँ। पीने के बाद कह उठोगे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और इस खुमारी को जीना है तो फिर पीना होगा, राम कथा का पान करना होगा। तुम कथा में आए, कथा तुम में आके बैठे, ऐसा साधन। तो मैं प्यक्कड़ों को, छिंदवाड़ा के प्यक्कड़ों को निमंत्रण देती हूँ, और ज्वारियों को भी निमंत्रण देती हूँ। छोटा मोटा दांव लगा के क्या फायदा ना, दांव लगाना है तो जिंदगी को लगाओ दांव पे। भगवान की गलियों में खुद को दांव पे लगा दो, भगवान अनुगत हो जाएंगे, तुम्हारे प्रेम बंधन में बंध जाए। और मेरे ठाकुर बड़े विचित्र हैं, बड़े बड़ों का अहम तोड़ देते हैं और अकिंचनों के अनुगत हो जाते। दुर्योधन के शाही व्यंजन ठुकरा देते हैं, और पुरानी जो हमारी वो विदुरानी है उसके केले के छिलकों में इनको बड़ा स्वाद आता है। ये बड़े विचित्र हैं, इनको अकिंचन ही पसंद आते हैं, और पता नहीं किस पे रीझ जाते हैं। और जब रीझ जाते हैं तो उसको और कुछ नहीं देते, स्वयं को ही समर्पित कर देते, अपने आप को दे देते। और उसकी तैयारी हमारी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए सब को निमंत्रण है। फिर कथा कैसे सुननी है, बहुत भोजन करके आओगी ना तो यही बैठे बैठे ऊंघती रहोगी, नींद के झटके लेती रहोगी, और बिल्कुल उपवासी आ जाओगी तो फिर पेट शोर मचाएगा, इसलिए संतुलित भोजन होना चाहिए। और 4 घंटे विचार करना चाहिए कि मैं संसार के लिए नहीं हूं और संसार मेरे लिए नहीं है, मैं राम का हूं और राम मेरे हैं। ये ईमानदारी से कथा श्रवण करते, बहुत सारे लोग तो घड़ी देख